प्लीज भगवान जी सब सही कर दो, माँ को कुछ मत होने देना। अच्छा लीजिए मेरे परिवार को। अच्छा काका, पूजा के प्रसाद का सामान तैयार रखिएगा, हम आकर बना लेंगे, ठीक है? दीदी, कल की पूजा के लिए माँ जी ने तस्वीर भिजवाई है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, संभाल के ये उस कमरे में जाके रख दीजिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पिछले साल इस पूजा में हम दोनों बैठे थे ना? आदर्श जी, हमने आपको दूसरा मौका तो दे दिया है, लेकिन हम आपसे अभी भी बात नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें ये सब अपनाने के लिए थोड़ा और वक्त दे दीजिए। सो सॉरी। सब ठीक है ना? हाँ अच्छा। रागिनी बेटा, स्वरा की मेहंदी तैयार हो गई क्या? कहाँ है कहाँ वो? अरे हाँ चिची, स्वरा तो अभी तक घर ना आई है। हो सकता है कि सर मिस्टर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो। छोरी को तो उनके पास रहना ही पड़ेगा ना। लक्स भी ना आया अभी तक घर पे। अरे सलाम मानिए चिची, अपनी परिणीत और आदर्श को बिठा देते पूजा में, क्या फर्क पड़ेगा चिची? ये तुम क्या बोल रही हो सुजाता, तुम्हें पता भी है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तुम नहीं, पूजा पे ये दोनों ही बैठेंगे। मैं फोन करके देखती हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। लो आ गई। सरा, कहाँ थी तुम और माँ कैसी है? तुमने लक्ष को किडनैप करवाया, इसलिए हमने माँ को। सरा तुम माँ को डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, और किसी को बताया भी नहीं? हाँ, वो माँ बाड़ी में। बाड़ी में?
तबीयत ठीक है ना? तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? माँ, वो दरअसल माँ की तबीयत अब बस थोड़ी सी बेहतर हुई है, इसीलिए स्वरा उन्हें बाड़ी में छोड़ के आई है। और बाड़ी में डॉक्टर अंकल भी तो है उनका ध्यान रखने के लिए, इसीलिए है ना स्वरा? हाँ स्वरा, परेशान मत हो, आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। स्वरा आप तुम जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, जाओ तैयार हो जाओ, जाओ। परिंदा, स्वरा को ऊपर ले जाओ। हमने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, वहीं पहनना। भाभी, तुम बहुत लकी हो स्वरा, तुम्हारे हाथों पर दो दो बार मेहंदी लग रही। तुम दोनों मेहंदी लगाओ, हम आते हैं। ऐसे यहां लिख रहे तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, दूसरों का प्यार छीनने का मुझे कोई शौक नहीं है। केयरफुल रागिनी। माँ कहाँ है? वो हमारी भी माँ है, बिल्कुल सुरक्षित है। मगर रागिनी के ससुराल क्यों चली गई? लक्षाया था वहां को लेने, तो मैंने भेज दिया। कल स्वरा की शादी है ना माँ? ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं होने देना चाहिए, रोकना चाहिए। रहने दे शेखर, देख कल तो खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या छोरी में अगर जरा सी भी सच्चाई और ईमानदारी है ना, तो या शादी ना करेगी, और अगर या ने शादी की तो मैं स्वरा और शर्मिष्ठा से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। माँ ना, मैं रख देती हूँ, तू जा कमरे में आराम कर। करवा रही है तो हो गई मेहंदी, बहुत सुंदर रची। हाँ रागिनी, मेहंदी तो बहुत सुंदर लगी है। अब तुम जाओ और आराम कर लो, और ध्यान रखना कि तुम्हारी मेहंदी खराब ना हो जाए। मारी स्वरा को अपना ख्याल रखना आता है, तू अपना ध्यान रख। चल स्वरा। और हाँ स्वरा, तुम्हारी मेहंदी वैसे बहुत अच्छे से रंग लाएगी।
क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले संस्कार ने अपने प्यार का इजहार किया है ना। वैसे हमने माँ से बात कर ली कि तुम एक बंगाली साड़ी में तैयार होगी। हमारे बहन की शादी है और स्वरा अगर तुम बंगाली हो तो तुम्हें बंगाली दुल्हन की तरह तैयार होने का पूरा हक है। हमने तुम्हारे लिए कपड़े पसंद करके रख दिए, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जाओ आराम कर लो, गुड नाइट। ये कहाँ मिले आपको? नदी के किनारे भगवान की मूर्ति के पास था। ये तो भगवान का ही कृपा था कि ये बेचारा बच गया। अब तुम्हारा भगवान ही जानता है तुम दोनों कैसे बचोगे। देख संस्कार, मारे को ना पता है लेकिन थारे को कुछ भी करके जिस स्थिति से बाहर आना है के करना है वो तू सोच। लेकिन कल तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, बस मारे को जितना ही पता है। सुजाता आई, कुछ सोच लो तुम दोनों। कैसे सब कुछ ठीक होगा संस्कार? मेरी माँ ठीक तो होगी ना? लक्ष्य ने क्या कहा? अभी भी मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया उसने। कैसे सब कुछ ठीक होगा संस्कार? बहुत डर लग रहा है मुझे, कहाँ आकर फंस गए हम लोग। सॉरी स्वरा, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी से क्या होगा संस्कार, सल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना? आंसू आज मेरी वजह से है तो इन्हें पहुंचने का हक मेरा होना चाहिए। मुझे यकीन है स्वरा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मत रो स्वरा,
शायद लक्ष्य अभी तक वापस नहीं आया। क्या कहा तुमने उसे? यही कि मैंने उसे आधा सच बताया है और बाकी का आधा सच उसे खुद ढूंढना होगा। और तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी बात पर भरोसा है? पता नहीं, पर जितना इस बारे में सोचती हूँ संस्कार, उतना ऐसा लगता है कि लक्ष्य आएगा। रिलैक्स लक्ष्य। चोट कैसे लगे मुझे? शायद आप नदी में गिर गए थे। कुछ मछुआरे आपको यहाँ लेकर आए हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता? ये वो डॉक्टर है जिन्होंने शादी वाले दिन स्वरा की जान बचाई थी। आप तो वही डॉक्टर है जो उस दिन घर पे आए थे। हाँ, लेकिन उस दिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं था, लेकिन शायद आज आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच में एक डॉक्टर हूँ। वैसे बहुत आश्चर्य की बात है, आपका केस भी बिल्कुल स्वरा के जैसा ही है। वो भी नदी में गिरी थी और वहीं मिली जहाँ आप मिले, और उनको भी मछुआरों की पत्नियां छोड़ के गई थी। मैं इस नदी में नहीं गिरना चाहती थी, फिर भी गिरी। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। कुछ मछुआरों की पत्नियों ने मुझे नदी में से निकाल कर किसी पास वाले अस्पताल में एडमिट किया। डॉक्टर आराम से लक्ष्य। डॉक्टर क्या सच में सोराई आई थी? हाँ, और इनफैक्ट इसी कमरे में एडमिट थी। आप चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। प्लीज डॉक्टर, वो मुझे वो रजिस्टर दिखा दीजिए। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। रुकिए डॉक्टर, मैं भी चलता हूँ। संभाल के लक्ष्य जी। क्यों लगता है? मतलब अगर अगर उसे मुझ पर भरोसा नहीं होता तो वो कल रात ही वापस आ गया होता, पर वो अभी तक आया नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सच का पता लगा रहा होगा। हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो आई एम श्योर कि वो सच पता लगा कर ही आएगा। ये देखिए, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही पूछ रहा था। जानती हूँ लक्ष्य कि तुम्हें अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, पर प्लीज ये भी मत समझना कि मैं ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब शायद तुम मुझ पर यकीन करोगे कि मैं अपनी शादी से भाग नहीं गई थी। मतलब सोरा सच कह रही थी, उस दिन उसके साथ हादसा हुआ था और हमें लगा कि
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.